गाइस मैं रामनगर के नीचे आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कोसी रिवर है। बेसिकली ये रामनगर का जो मेन मंदिर है गर्जिया देवी टेम्पल, ये वहाँ से 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे है। मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आया, तो मैंने आज सोचा कि मैं इस वाले एरिया को कवर करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और आप देख सकते हैं कि इस टाइम बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और कभी भी बारिश बहुत तेज़ हो सकती है और इस टाइम मेरे पास सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ से जल्दी वापस चला जाऊँ। और ये आप देख सकते हैं गर्जिया देवी टेम्पल का जो मेन पहाड़ है, यहाँ पे जो गर्जिया देवी माँ स्थित है। सो गाइस अब आप देख सकते हो बारिश होने के ये 10 मिनट बाद का वीडियो है और इस टाइम पानी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसमें और ये रिस्की भी हो सकता है। वो रहा माता जी का टेंपल, जय माता दी। सो मैं इस एरिया से थोड़ा सा अच्छे से बारिश को एंजॉय करूँगा, बिकॉज़ दिल्ली या गुड़गांव में हम ऐसे बारिश एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं पूरा इंजॉय करूँगा बारिश को और इस पानी को। बट हाँ, टाइमली मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। A few moments later. बेसिकली बहुत बढ़ गया है यहाँ पे और मैं बारिश इंजॉय कर भी रहा हूँ और मुझे यहाँ से निकलना भी चाहिए, बट निकलने का मन नहीं कर रहा बिकॉज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बट हाँ, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। जय माता दी। और अब आप देख सकते हैं बारिश के बाद का व्यू है। बारिश रुक चुकी है, बारिश को रुके हुए आधा घंटा हो गया है। बारिश के बाद सारी दुकानें फिर से खुल चुकी हैं और ये माता जी का टेंपल है और नीचे के जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे प्रसाद मिलते हैं, जहाँ पे चाय और मैगी मिलते हैं, वो स्टॉल लोगों ने दोबारा खोल दिए हैं और लोगों की श्रद्धा देखिए, लोग फिर से मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगा चुके हैं और मैं भी नीचे से फटाफट एक प्यारी सी चाय पी के आऊँगा। यह है बाबा भैरवनाथ मंदिर। एक कथा है जिसमें बोला जाता है कि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होगा, जहाँ जहाँ माता जी का शक्तिपीठ स्थापित होगा, वहाँ वहाँ पे भैरव बाबा भी उनकी रक्षा के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा भैरव मंदिर भी है।